नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं न्यूज वर्ल्ड इंडिया, मैं हूं आपके साथ काविंद्र चौहान। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की सबसे बड़ी खबर के साथ। आपको बता दें कि देहरादून से इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। तो कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष थे गणेश गोदियाल, उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दिया है। विधानसभा चुनाव में मिली हार के बाद गणेश गोदियाल ने इस्तीफा दिया है। साथ ही साथ बताते चले कि हार की नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए गणेश गोदियाल ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। तो देहरादून से आ रही इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जो कि कांग्रेस के लिए एक बड़ा झटका है। आपको बता दें कि देहरादून से इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। तो विधानसभा चुनावों में मिली बड़ी हार के बाद गणेश गोदियाल ने अपने पद से इस्तीफा दिया है। हार की नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए गणेश गोदियाल ने अपने पद से इस्तीफा दिया है। तो देहरादून से इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां चुनावों के बाद कांग्रेस की एक बड़ी हार हुई। ऐसे में अब इस्तीफों का दौर जब शुरू हो गया है, तो अलग अलग प्रदेशों में भी कांग्रेस के पदाधिकारियों द्वारा इस्तीफे दिए जा रहे हैं। लेकिन देहरादून से ये जो इस्तीफे की खबर आ रही है, ये सबसे बड़ी खबर इस वक्त की हम आपको बता रहे हैं, जहां कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। तो आपको बता दें कि उत्तराखंड में कांग्रेस की करारी हार हुई थी, जिसके बाद लगातार आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। ऐसे में जो इस्तीफा है वो गणेश गोदियाल की तरफ से सामने आया है। तो गणेश गोदियाल ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। इस्तीफे का ये जो लेटर है, ये आपकी स्क्रीन पर आप देख सकते हैं कि गणेश गोदियाल ने जो अपने पद से इस्तीफा दिया है। साथ ही साथ बता दें कि इस्तीफे का मुख्य जो कारण बताया है वो ये है कि हार की नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए गणेश गोदियाल ने यह इस्तीफा दिया है। तो सीधे तौर पर आपको बता दें कि देहरादून से इस वक्त की सबसे बड़ी खबर और सबसे बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने अपने पद से इस्तीफा दिया है। तो इस सबसे बड़ी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे स्टेट हेड सुभाष गौड़ हमारे साथ जुड़ गए हैं सीधे लाइव। तो सुभाष जी, ये बड़ी खबर इस वक्त निकलकर सामने आ रही है, जहां गणेश गोदियाल ने अपने पद से इस्तीफा दिया है, नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए इस्तीफा दिया गया है, लेकिन इससे कांग्रेस को कितना नुकसान होने वाला है? बिल्कुल, कहा जा सकता है कि गणेश गोदियाल ने जरूर पत्र लेकर अपने पद से इस्तीफा दिया, और लेकिन सबसे बड़ी चीज यह है कि गणेश गोदियाल अभी कुछ समय पहले ही प्रदेश अध्यक्ष बने थे, लेकिन जिस तरीके से 2022 के विधानसभा चुनाव में उत्तराखंड में कांग्रेस को एक करारी हार देखने को मिली, जब ऐसी स्थिति में कांग्रेस थी कि ये लग रहा था कि शायद इस बार कांग्रेस अपनी सरकार बना लेगी और प्रचंड बहुमत के साथ या किसी सहयोगी दलों के साथ मिलकर वो सरकार बनाएगी, लेकिन वो ऐसी स्थिति में आ गई कि उनके विधायक सरकार बनाना तो दूर, सत्ता से इतने दूर हो गए कि शायद कहीं ना कहीं किसी ने सोचा नहीं था। और यही वजह है कि इसके बाद तमाम जो बड़े नेता हैं वो एक दूसरे पर बयानबाजी करते हुए नजर आए, ना कि मंथन पर चर्चा करते हुए। लेकिन अब जिस तरीके से प्रदेश अध्यक्ष के पद से गणेश गोदियाल ने इस्तीफा दे दिया और उन्होंने कहा है कि उनका इस्तीफा स्वीकार कर लिया जाए, लेकिन उनके साथ ही उन्होंने ये भी लिखा है कि इस पूरी हार का जो जिम्मा है वो खुद अपने सर पर लेते हैं, उनके पास महत्वपूर्ण जिम्मेदारी थी प्रदेश अध्यक्ष के तौर पर चुनाव को जिताने की, बेहतर तरीके से संगठन को मजबूत करने की, शायद वो इसमें कामयाब नहीं हुए, इस वजह से वो अपने पद से इस्तीफा दे रहे हैं। लेकिन कुल मिलाकर बड़ा सवाल ये है कि इस समय जब कांग्रेस को एकजुट होने की जरूरत है, मंथन करने की जरूरत है, ये सोचने की जरूरत है कि आखिरकार उत्तराखंड में कांग्रेस को किस तरीके से मजबूत किया जाएगा, उस समय में इस्तीफे के दौर शुरू हो रहे हैं, बयानबाजी के दौर शुरू हो रहे हैं, एक दूसरे पर आरोप लगाने के दौर शुरू हो रहे हैं, तो कहीं ना कहीं कहा जा सकता है कि ये गुटबाजी का भी नतीजा है कि इस तरीके की स्थिति कांग्रेस के अंदर उत्तराखंड में बनती हुई नजर आ रही है। जी बिल्कुल, करारी हार के बाद जहां मंथन होना था, जहां समीक्षा होनी थी, और समीक्षा और मंथन की ही हालांकि बात भी की जा रही थी, लेकिन हार के बाद से लगातार हम देख रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी के भीतर ही आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है, भितरघात का दौर जारी है, टूटने की खबरें आ रही हैं। खुद पार्टी लीडर्स, बड़े पार्टी लीडर्स दूसरे बड़े पार्टी लीडर्स पर लगातार आरोप लगा रहे हैं, और गुटों की जो लगातार जो गुट की बात कर रहे थे, अब वो निकलकर सार्वजनिक रूप से सामने आ गई है कि कांग्रेस के भीतर उत्तराखंड में दो गुट हैं। लेकिन अब ऐसे में जब गणेश गोदियाल ने भी इस्तीफा दे दिया है, तो ये क्या दर्शाता है कि पार्टी में सब कुछ तो ठीक नहीं चल रहा है? बिल्कुल, ये तो बिल्कुल साफ है कि कांग्रेस के अंदर की जो गुटबाजी है वो पूरी तरीके से सबके सामने आ गई, और जिस तरीके से अब बड़े नेता खुलकर एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं और उसके बाद बयानबाजी सोशल मीडिया और मीडिया के जरिए कर रहे हैं, तो उससे गुटबाजी तो जरूर नजर आने लगी है। लेकिन गणेश गोदियाल ने जिस तरीके से आज अपने पद से इस्तीफा दिया, इसके साथ ही अब इंतजार है चार कार्यकारी अध्यक्षों का कि शायद वो भी इस गुटबाजी के चलते कहीं ना कहीं अपने पदों से इस्तीफा दे सकते हैं। और क्योंकि हार की जिम्मेदारी केवल प्रदेश अध्यक्ष की नहीं थी, बल्कि उन तमाम जो बड़े नेताओं की थी जो
मुख्यमंत्री की लिस्ट में मुख्यमंत्री बनना चाह रहे थे, मंत्री बनना चाह रहे थे, और इससे भी महत्वपूर्ण चीज यह है, जो बड़े चेहरे थे कांग्रेस के, उनके पास केवल अपनी विधानसभा सीट जिताने की जिम्मेदारी नहीं थी, बल्कि आसपास की जो सीटें हैं उन पर भी उनका कहीं ना कहीं प्रभाव होना चाहिए था, वो जो कि चुनाव में नजर नहीं आया। तो ऐसे में कहीं ना कहीं प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल के बाद अब कार्यकारी जो अध्यक्ष हैं वो भी शायद अपने पद से इस्तीफा दे सकते हैं, लेकिन अभी जिस तरीके से सामने केवल प्रदेश अध्यक्ष का ही इस्तीफा आया है, लगता है कि गुटबाजी के कारण धीरे धीरे अब अन्य कार्यकारी अध्यक्षों का भी इस्तीफा कहीं ना कहीं नजर आएगा। लेकिन इतना ही नहीं, अब जो लड़ाई है वो नेता प्रतिपक्ष बनने की भी जरूर कांग्रेस के अंदर नजर आ रही है, क्योंकि जिस तरीके से हरीश धामी जो कि धारचूला से विधायक हैं और इस बार जीत कर पहुंचे भी हैं विधानसभा कांग्रेस के टिकट पे, वो अब दावेदारी कर रहे हैं कि युवाओं को मौका देना चाहिए और मुझे नेता प्रतिपक्ष बनाना चाहिए, क्योंकि मैं एक युवा विधायक के तौर पर जीत कर धारचूला से आ रहा हूँ और मैं नेता प्रतिपक्ष बनना चाहता हूँ, मुझे नेता प्रतिपक्ष बनाया जाए। तो कहा जा सकता है कि गुटबाजी का जो स्तर है वो केवल प्रदेश संगठन में ही नहीं बल्कि अब नेता प्रतिपक्ष बनने के लिए भी नजर आने लगा है। जी बिल्कुल, जैसा कि आप संकेत दे रहे हैं सुभाष जी कि अब और भी इस्तीफे देखने को मिल सकते हैं, तो आने वाला वक्त ही बताएगा कि और किस किस का कौन कौन पदाधिकारी जो अपने पद से इस्तीफा देता है। लेकिन इस बीच एक और चीज देखनी होगी कि जैसा कि आपने कहा कि जिम्मेदारी महज गणेश गुदियाल के ऊपर ही नहीं थी, तो जिन जिन लोगों के ऊपर जिम्मेदारी थी वो भी नैतिक रूप से इस्तीफा दे सकते हैं। और सबसे ज्यादा अगर जिम्मेदारी की बात करूं तो पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत जी के ऊपर सबसे ज्यादा जिम्मेदारी थी, क्योंकि उन्होंने खुलकर कहा था कि पूरे कैंपेन को मैं लीड कर रहा हूं, उत्तराखंड कांग्रेस को उत्तराखंड मैं लीड कर रहा हूं, उन्होंने कहा था इस कैंपेन की बात। लेकिन अब ऐसे में जब हरीश रावत के ऊपर खुद आरोप लगे हुए हैं कई सारे और पार्टी के लीडर्स लगा रहे हैं, वो कह रहे हैं कि हमको निष्कासित कर दो, लेकिन इस्तीफे का नहीं कुछ लगता है क्योंकि वो बहुत पुराने कांग्रेसी हैं। बिल्कुल, ये कहा जा सकता है कि जरूर उनके पास चुनाव की कमान थी, लेकिन क्योंकि चुनाव समाप्त हो चुका है तो इस समय ये कहा जा सकता है संगठन के तौर पर कोई बड़ा पद अभी हरीश रावत के पास नहीं है। लेकिन जैसे कि मैं जिम्मेदारी की बात कर रहा हूँ, उसमें केवल प्रदेश अध्यक्ष नहीं आते हैं, प्रदेश प्रभारी आते हैं, सह प्रभारी आते हैं। हालांकि ये जरूर है कि सह प्रभारी जिनको बनाया गया था उन्होंने जरूर अपने पद से सबसे पहले इस्तीफा दे दिया था, लेकिन अब इंतजार ये है कि जो कार्यकारी अध्यक्ष हैं या फिर यूं कहे जाए जिनके पास बड़े जिम्मेदारी, वो कब अपनी जिम्मेदारी को संभालते हुए सोशल मीडिया के जरिए ही अपनी जो गलतियां हैं उनको वो मानते हैं। जिस तरीके से गणेश गोदियाल ने कहा कि वो नैतिक जिम्मेदारी लेते थे इस चुनाव की, और क्योंकि वो प्रदेश अध्यक्ष थे तो इसके चलते वो अपने पद से इस्तीफा दे रहे हैं। कार्यकारी अध्यक्षों के पास भी बड़ी जिम्मेदारी थी चुनाव को जिताने की। हालांकि ये जरूर है कि कार्यकारी अध्यक्ष में दो कार्यकारी अध्यक्ष भी अपना चुनाव हारे हैं, वो अपनी खुद की सीट नहीं बचा पाए, तो शायद प्रदेश में वो कांग्रेस को क्या मजबूत करते। लेकिन बावजूद उसके उनका इंतजार ये है कि शायद वो कार्यकारी अध्यक्ष भी अपने पद से इस्तीफा दे सकते हैं। बिल्कुल, और थोड़ा सा इंतजार है प्रदेश प्रभा, थोड़ा सा और इसको ब्रॉडर पर्सपेक्टिव में अगर समझने की कोशिश करें सुभाष जी, तो ठीक है पोस्ट से इस्तीफा देना, पद से इस्तीफा देना ठीक है, लेकिन क्या ऐसा भी हम देखने को मिलेगा आने वाले समय में कि कांग्रेस से ही इस्तीफा देते हुए बड़े नेता दिखाई दें? बिल्कुल, अभी तो ऐसा लगता नहीं कि शायद कोई बड़ा नेता अपने पद से इस्तीफा देगा या कांग्रेस को त्याग देगा या छोड़कर कांग्रेस छोड़ देगा, लेकिन इतना जरूर है कि अब कांग्रेस को एकजुट होकर मंथन करने की जरूरत है, सोचने की जरूरत है कि आखिरकार कहाँ कमी रह गई, क्योंकि एक समय ऐसा था उत्तराखंड में कि कांग्रेस की लहर शुरू हो गई थी, इंतजार लोगों को भी ये लग रहा था कि शायद कांग्रेस अपनी सरकार बना लेगी, लेकिन ऐसी कहाँ गलती होगी, गुटबाजी इतनी हावी कहाँ हो गई जिसका खामियाजा विधानसभा के चुनाव में भुगतना पड़ा। लेकिन अब बड़े नेता हों या फिर युवा नेता हों, सभी को एक एक मंच पर बैठना होगा, एक मंच पर सोचना होगा और इसको खास तौर से देखना होगा कि आखिरकार किस वजह से कांग्रेस अपना ये चुनाव हारी है, क्या वो गलतियां रही कि जिन गलतियों के कारण कांग्रेस को फिर सत्ता गंवानी पड़ी, और सबसे महत्वपूर्ण चीज मंथन करना बेहद जरूरी है कि आखिरकार जनता ने उत्तराखंड में कांग्रेस को क्यों पसंद नहीं किया। हालांकि ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है कांग्रेस के लिए कि वो इस पर मंथन करे, ना कि एक दूसरे पर बयानबाजी करते हुए नजर आए। जी बिल्कुल, कांग्रेस ही नहीं हारी बल्कि सुभाष जी अगर हम बात करें तो बड़े नेता भी हारे कांग्रेस के। और एक और चीज हम समझना चाहेंगे कि गणेश गोदियाल प्रदेश के अध्यक्ष थे, प्रदेश अध्यक्ष एक बड़ा पद होता है, सबसे बड़ा पद होता है राजनीतिक अगर चश्मे से देखें हम एक प्रदेश के हिसाब से, लेकिन अब जब इस्तीफा दे दिया है तो इनका राजनीतिक भविष्य आप क्या देख रहे हैं, किस ओर देख रहे हैं?
बिल्कुल, ये कहा जा सकता है कि गणेश कोदियाल जरूर एक प्रदेश अध्यक्ष के तौर पर काम कर रहे थे और कुछ समय पहले ही उन्हें ये जिम्मेदारी मिली थी, लेकिन क्योंकि गणेश कोदियाल ने अभी तक जितने भी पद संभाले हैं, चाहे वो विधायक के तौर पर हो या फिर बद्री केदार मंदिर समिति के अध्यक्ष के तौर पर हो, उन्होंने जो भी काम किए बेहतर किए, लेकिन क्योंकि जिम्मेदारी वो खुद लेते हैं, क्योंकि वो मुखिया के तौर पर थे संगठन की तौर से और कांग्रेस के संगठन के अध्यक्ष थे वो प्रदेश में, इस वजह से उन्होंने ये जिम्मेदारी ली। लेकिन ये जरूर अभी उनका जो इस्तीफा है वो शायद स्वीकारा नहीं गया है, इंतजार ये भी है कि हाईकमान किस तरीके से इसको लेता है, लेकिन इतना जरूर है कि अब संगठन की तस्वीर उत्तराखंड में बदलती हुई नजर आएगी और कहीं ना कहीं कांग्रेस को एक बार फिर मजबूत करने के लिए ऐसे चेहरे पर कांग्रेस भरोसा करेगी या ऐसा चेहरा लेकर आएगी जो शायद सबको एकजुट कर सके। हालांकि ये भी जरूर है कि अगला प्रदेश अध्यक्ष कौन होता है, या फिर यूं कहा जाए कि एक बार फिर गणेश कोदियाल को और हाईकमान भरोसा जताता है, ये भी देखना होगा। लेकिन इतना जरूर है कि जब जरूरत थी मंथन करने की, उस समय पर इस्तीफे का दौर शुरू होता है, बयानबाजी का दौर शुरू होता है, आरोपों का दौर शुरू होता है, जो कि कांग्रेस को और बुरी स्थिति में डालता हुआ नजर आ रहा है। कांग्रेस जब मंथन कर रहा था, जब समीक्षा करनी थी, जब मंथन का समय था सुभाष जी, और जब समीक्षा करनी थी, तब दरअसल आरोप प्रत्यारोप और तमाम तरीकों की चीजें दिखी। तो ऐसे में आपने एक बहुत बड़ा संकेत दिया है, और सुभाष जी जैसा कि आपका बहुत बहुत फिलहाल तो शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। तो सुभाष जी ने फिलहाल एक बहुत बड़ा संकेत दिया, उन्होंने बताया कि उत्तराखंड में कांग्रेस की तस्वीर बहुत जल्द बदलती हुई दिखाई दे सकती है। हालांकि उन्होंने ये भी कहा है कि गणेश कोदियाल ही आगे हो सकता है कि कंटिन्यू करें और प्रदेश अध्यक्ष बनते हुए दिखाई दें। तो वहीं फरकाबाद के फतेहगढ़ में पुलिस के खिलाफ पीड़िता ने जमीनी विवाद को लेकर कलेक्ट्रेट में धरना दिया। भारी संख्या में महिलाओं ने कलेक्ट्रेट में हाथों में स्लोगन लिखी तख्ती को लेकर प्रदर्शन किया है। पीड़िता का आरोप है कि दबंगों ने जमीनी विवाद को लेकर घर में घुसकर महिलाओं से मारपीट की और नाबालिग से छेड़छाड़ और लूटपाट की घटना को अंजाम दिया था। बता दें कि दबंगों के बीजेपी विधायक के संरक्षण के चलते पुलिस प्रशासन ने पीड़िता की फरियाद नहीं सुनी, जिसके बाद पीड़िता ने कलेक्ट्रेट परिसर में पहुंचकर सीएम के नाम पुलिस की कार्यशैली के खिलाफ डीएम को ज्ञापन सौंपा। फतेहगढ़ कोतवाली क्षेत्र के कलेक्ट्रेट परिसर का ये पूरा मामला है, जहां की तस्वीरें आपकी स्क्रीन पर है। गोंडा में 25,000 रुपए का इनामी अपराधी तख्ती लेकर आत्मसमर्पण करने थाने पहुंच गया। बता दें कि छपिया थाना क्षेत्र अंतर्गत गल्ला व्यवसायी के अपहरण का आरोपी गौतम सिंह हाथों में तख्ती लेकर पुलिस को सामने उसने सरेंडर कर दिया। दरअसल सूबे में सरकार के अपराधियों पर हो रही कार्रवाई के बाद अपराधियों में खौफ नजर आ रहा है, तो वहीं पुलिस आरोपी को गिरफ्तार कर कार्रवाई में फिलहाल जुट गई है। जौनपुर में चुनाव के बाद लोगों के सिर पर होली का रंग चढ़ना शुरू हो गया है, जहां गोमती नदी के किनारे पूर्वांचल के लोकगीत गायक रविंद्र सिंह ज्योति ने राजनेताओं की इस बार की होली पर गीत गाकर मन मोह लिया। बता दें कि रविंद्र सिंह ज्योति ने प्रदेश में गुलडोजर बाबा की सरकार पर भी जोगीरा सारा रारा रा गाया, तो वहीं कई और गीत गाकर होली के जश्न की शुरुआत की। अरे बुलडोजर बाबा हो बुलडोजर बाबा,
कन्नौज में अवैध खनन कर ले जाई जा रही मिट्टी को खनन विभाग ने पकड़ लिया, जहां खनन अधिकारी ने चार ट्रैक्टर ट्रॉली मिट्टी पकड़ी है। बता दें कि सदर कोतवाली क्षेत्र के पुलिस लाइन रोड शेखाना में चार ट्रैक्टर ट्रॉली मिट्टी पकड़ी गई, तो वहीं खनन अफसर ने चारों ट्रैक्टर सीज कर कोतवाली थाने में पहुंचा दिया। अब आगे की कार्रवाई में खनन विभाग जुटा हुआ है। तो अवैध खनन के लिए ले जाए जा रहे ये ट्रैक्टर ट्रॉली आप देख सकते हैं, कन्नौज की तस्वीरें, जहां पर पुलिस ने इनको जब्त कर लिया और फिलहाल इनको थाने में खड़ा करवा लिया है। बीजेपी विधायक भूपाल राम टमटा ने आज थराली विकासखंड से फिर जनता मिलन और विजय जुलूस कार्यक्रम शुरू किया है, जिसमें सैकड़ों पार्टी कार्यकर्ताओं ने थराली पहुंचने पर उनका जोरदार स्वागत किया। दरअसल 10 मार्च को आम विधानसभा चुनाव के नतीजे घोषित होने पर थराली विधानसभा से बीजेपी प्रत्याशी भूपाल राम टमटा ने विजयी होने पर सबसे पहले 11 मार्च को नंदानगर में नंदा देवी सिद्धपीठ कुरुड़ में पूजा अर्चना की, जिसके बाद उसी दिन पिंडर घाटी के नारायण बगड़ विकासखंड तक जनता का धन्यवाद करते हुए अपने पैतृक घर में रात्रि विश्राम किया। तो वहीं 12 मार्च सुबह को ही पार्टी के वरिष्ठ नेताओं से मिलने देहरादून चले गए थे, जिस कारण बीजेपी विधायक भूपाल राम टमटा का विधानसभा क्षेत्र में जनता से मिलने का कार्यक्रम अधूरा रह गया था। आज वो देवाल विकासखंड में जनता मिलन कर सबका धन्यवाद अदा करते हुए वाड़ में लाटू धाम मंदिर में पूजा अर्चना की उन्होंने, साथ ही लाटू देवता का आशीर्वाद लेकर धन्यवाद प्रेषित किया है। यूपी के बस्ती में एसपी आशीष श्रीवास्तव के निर्देश पर बस्ती पुलिस और सर्विलांस की टीम ने 120 मोबाइल फोन बरामद किए। बरामद मोबाइल फोनों की कीमत लगभग 1.5 लाख रुपए बताई जा रही है, जिसे सभी थानों में आए दिन मोबाइल गुम और चोरी की रिपोर्ट दर्ज कराई जाती है। इन शिकायतों को पुलिस की सर्विलांस की टीम द्वारा मोबाइल का ईएमआई नंबर लेकर ट्रैक कर मोबाइल को बरामद किया गया है। गुमशुदा मोबाइल पाकर लोगों के चेहरों पर मुस्कान साफ तौर पर देखी जा सकती है। एसपी आशीष श्रीवास्तव ने बताया कि सर्विलांस टीम की मदद से मोबाइल बरामद कर लोगों को वापस किए गए हैं। मोबाइल पाकर लोगों के चेहरों पर मुस्कान आ गई, मोबाइल बरामद करने वाली टीम को उचित इनाम दिया जाएगा। कई सारी मोबाइलें जो लोगों के द्वारा वो गुमशुदा हो जाती हैं या कहीं पर छूट जाती हैं, उनकी एप्लीकेशन पुलिस कार्यालय पर और थानों पर प्राप्त होती रहती है। उसी क्रम में आज 15 मार्च को हमने 120 मोबाइल बरामद करके उनके संबंधित मालिकों को दिए हैं। इन सभी मोबाइलों की मार्केट वैल्यू लगभग 16.5 लाख रुपये होगी। इन 120 लोगों को जो आज ये मोबाइल वापस दिए जा रहे हैं, इनके चेहरे पर जो खुशी है, ये हमारा पारितोषिक है, और ये जो जिसने हमारी जो सर्विलांस की टीम है, जिसने इतना अच्छा काम किया है, उनको भी हम लोग उचित इनाम दे रहे हैं। आगरा की मंडी समिति खेरागढ़ में डीडीए का अचानक दौरा हुआ। वहीं डीडीए के अचानक दौरे से कर्मचारियों और आढ़तियों के बीच हड़कंप मच गया। वहीं डीडीए ने सरसों खरीद को लेकर आढ़तियों की दुकान पर निरीक्षण किया, साथ ही सफाई न होते देख सफाई ठेकेदार के लिए कार्रवाई की बात कही। दुकानों की जर्जर दुकानों को लेकर जल्द मरम्मत का आश्वासन भी दिया गया है। देखिए, ये जो मंडी का निरीक्षण आज किया गया है, वो इलेक्शन के बाद या काफ़ी दिनों बाद ये मंडी खुली है, और यहाँ एक रूटीन इंस्पेक्शन जैसा होता है वैसे हमने किया है। काफ़ी यहाँ पर किसानों की भी कुछ बातें सामने आई हैं, कुछ व्यापारियों की भी मरम्मत से संबंधित बातें आई हैं, कुछ लैब की टेस्टिंग को लेकर, कुछ सरसों के को निकाले जाने के संबंधित भी प्रकरण आया है सामने। तो हमने मंडी सचिव को ये बोल दिया है कि इसके लिए एक स्पेसिफिक एक ऑर्डर जारी कर दें कि आफ्टर तौल अगर किसी भी लैब का परीक्षण कराना हो, तो तौल के बाद वो हर बोरी से जो भी मात्रा निकालनी हो, वो निकाल के उसका परीक्षण कराएं, और परीक्षण कराने के बाद आगे कार्रवाई करें। तो जहां एक ओर देश भर में होली का त्यौहार बड़ी ही धूमधाम के साथ मनाया जाता है, वहीं उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में एक ऐसा गांव भी है जहां पर होलिका दहन नहीं किया जाता। जी हां, आपको जानकर हैरानी हुई होगी, लेकिन सहारनपुर के ब्लॉक नानौता के गांव बरसी में आज भी होलिका दहन नहीं किया जाता। ये परंपरा सदियों से चली आ रही है, जिसे लेकर गाँव के बड़े बुजुर्गों का कहना है कि इस गाँव में होली दहन ना होने का एक कारण यह है कि इस गांव में होली दहन होने से भगवान शिव के पांव जलते हैं, इस कारण इस गांव में होली दहन नहीं किया जाता और गांव की औरतें पड़ोस के गांव में होली पूजने के लिए जाती हैं। तो ये विचित्र कहानी आपको बता रहे हैं सहारनपुर से, जहां औरतें पड़ोस के गांव में
होली पूजने जाती हैं और इस गांव में होलिका दहन नहीं किया जाता। तो मतगणना के पहले नवीन मंडी के गेट पर सरकारी गाड़ियों को चेक करने के मामले में कार्रवाई हुई है, जिसमें 17 नामजद और 30 अज्ञात सभा के कार्यकर्ताओं के ऊपर FIR दर्ज की गई। ये कार्रवाई सरकारी कार्य में अवरोध और जनता के बीच भ्रम फैलाने के मामले में हुई है। बता दें कि सपा के कार्यकर्ता अखिलेश यादव के निर्देश पर गाड़ियों को चेक कर रहे थे। बाराबंकी के सुबेहा थाना क्षेत्र के अंतर्गत बिगनीहा गांव के निकट गोमती में नदी पार करते समय ग्रामीणों से भरी नाव तेज बहाव से अनियंत्रित होकर पलट गई, जिसके बाद मौके पर पुलिस और प्रशासन के आला अधिकारी ने पहुंचकर ग्रामीणों को बचाया। वहीं पुलिस की जानकारी के मुताबिक नाव में एक दर्जन से अधिक लोग सवार थे। वहीं इस घटना में एक बुजुर्ग का शव भी पुलिस को मिला है, जिसको पुलिस ने पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। तो फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। बाकी देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को देखने के लिए आप बने रहिएगा न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया के साथ। शुक्रिया।